बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री वसीउल्ला खान ने मंडलायुक्त को पत्र देकर गोरखपुर मंडल में थोक दवा विक्रेताओं द्वारा बिना ड्रग लाइसेंस के धड़ल्ले से बेचे जा रहे दवा कारोबार की जांच कराने की मांग की है। इसके संबंध में महामंत्री वसीउल्ला खान ने बताया कि बिना ड्रग लाइसेंस के थोक दवा विक्रेता धड़ल्ले से दवा बेच रहे हैं और फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे जिले में अवैध दवा की दुकानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी भी चौराहे पर 10 दवा दुकानों में से 6 दुकानें अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री वसीउल्ला खान ने कहा। वसीउल्ला खान, महामंत्री बेरोजगार फार्मासिस्ट उत्थान सेवा संस्था। लाइक को जो है फर्जी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है पूरे मंडल में, कुकुरमुत्ते की तरह जो है मेडिकल स्टोर खुल रहा है। जैसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन हो रहा है दिन दहाड़े, और केमिस्ट संघ वाले ये कह रहे हैं कि जो है फार्मासिस्ट ब्लैकमेल कर रहे हैं। फार्मासिस्ट तो बेरोजगार है भाई, वो अपनी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले। केमिस्ट संघ वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन 15,000-20,000 की नौकरी नहीं दे रहे हैं। फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं और उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 1.25 लाख फार्मासिस्ट हैं, 1 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड है, 50,000 लंबित पड़े हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी रुका हुआ है। तो इन लोगों की जो भी वो है खिचड़ी पक रही है, ड्रग विभाग के मेल जोल से कुकुरमुत्ते की तरह मेडिकल स्टोर संचालन हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि होलसेल वाले जो है, जो नियमता यह है कि होलसेल रिटेलर को जो है एक ड्रग लाइसेंस धारी को ही बिल काट के दे सकता है, दवा दे सकता है, लेकिन आजकल होलसेल वाले ये कर रहे हैं किसी कोई भी आए बिना लाइसेंस का है, चाहे लाइसेंस है चाहे नहीं है, उसको बेचने से मतलब है। बिना ड्रग लाइसेंस का ही जो है वो बिल काट रहा है, और जब बिना ड्रग लाइसेंस का हमें दवा मिल जा रहा है तो कुकुरमुत्ते की तरह से कोने कोने में मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। और ये इसमें DI या DLA जो है इन लोगों की मिली भगत, ये अपना मलाई मार रहे हैं। क्या मांग किया है? मांग ये की है इनके सही तरीके से चेक करके फर्जी मेडिकल स्टोर को बंद कराया जाए और इन पर जो है लगाम कसी जाए, ताकि ये होलसेलर जितने होलसेलर हैं वो अपना ड्रग लाइसेंस नियम जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहता है उसके अधीन ही जो है काम करें, ताकि ये गुरमुत्ते की तरह से जो गली गली में जो मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं वो बंद हो।